गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ में जीरोथ लॉ अपन ने पढ़ा, उसमें क्या था? इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, और मोर स्पेसिफिकली थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी थी उसमें, जिसमें हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कराए थे और इस टाइप की बातें अपन ने उसमें करी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ पर जब हम आए, तो फर्स्ट लॉ जो कि जूल साहब ने दिया था, तो जूल्स फर्स्ट लॉ था, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बात हो रही थी कि यहाँ पर हीट जो है वो वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, और अगर पूरा वर्क में नहीं आ रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था अपना, ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, और इसी के दौरान फर्स्ट लॉ के अंदर ही हमने एक नई टर्म का शुरुआत करी जिसका नाम था एंथैल्पी, और वो क्या थी? एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एंथैल्पी भी एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, जिसको बोलते हैं कि हम थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? ये पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। अब जब हम सेकेंड लॉ में आएंगे, तो कई बार आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो अब जाकर इस लॉ के अंदर वो एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन आपका होएगा, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, कैसे होती है, इसकी सारी डिटेल अपन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर इसमें आए हुए कई सारे क्वेश्चंस भी अपन साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सब लोग रेडी हैं, शुरू करते हैं अपन। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, कई सारी बातें हैं जो आप लोगों को अभी ज्ञात हैं, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एक तरीके का, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया फर्स्ट लॉ में, कि वो हीट भैया ट्रांसफर होती है, इंटरनल एनर्जी होती है और वर्क डन भी होता है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट लॉ में अपन ने बात करी थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर सेकंड लॉ में हम बात करेंगे कि साहब आपने एनर्जी कंजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन की बात आपने यहाँ पर नहीं करी। तो यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो डायरेक्शन की बात करूँगा, किसमें? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हम हीट, वर्क और ऐसी कोई ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ हीट का कन्वर्जन एंट्रोपी तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्शन की बात होगी, सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा यहां पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी, वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी ही आपको एंट्रोपी का इनसाइट देगी पूरा। सर ये बैग पकड़ना, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो डायरेक्शनल लॉ है। डायरेक्शन के बारे में बताएंगे यहाँ पर, डायरेक्शनल लॉ या लॉ ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि यार ये हीट की डायरेक्शन क्या होती है, किस टाइप से काम होता है। तो पहला यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो फर्स्ट जो होगा हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्या होगा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है भैया? यहां पर ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के लिए बेस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? बेस मान सकते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगा यहां पर आपको, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि हम बिना किसी एक्सटर्नल रिजर्वायर के पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे,
ठीक है, क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, मतलब यहां पर ये बोल रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन यानी कि एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव है, इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल देखो एक साइकिल पे ऑपरेट करता है वो और एक्सट्रैक्ट करता है हीट फ्रॉम द साइकिल, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द साइकिल, इस साइकिल से वो हीट निकालता है फ्रॉम द रिजर्वायर, साइकिल से नहीं निकाल सकता ना भाई, साइकिल तो साइकिल है, फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर मतलब वो एक सिंगल रिजर्वायर से क्या करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है। रिजर्वायर का मतलब होगा ऐसी स्थान या ऐसा स्पेस जिसके अंदर हीट अमाउंट बहुत सारे अमाउंट में क्या है, स्टोर्ड है। एंड और क्या भाई, एक से तो उसने क्या निकाली, हीट निकाली और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वर्क में, एंड कन्वर्ट हीट विदाउट एनी रिजेक्शन। इसको मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं आपको इसका मतलब क्या है। ये श्रीमान ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई इंजन बना पाना असंभव है जो एक रिजर्वायर से, लेट सपोज दिस इज T1 टेम्परेचर पे कोई एक रिजर्वायर है जहां से मैं हीट निकालूं, क्या निकाली मैंने, हीट निकाली क्यों, और ये इंजन है मेरा और इस इंजन ने वो पूरी की पूरी किस में कर दी, पूरी की पूरी इसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, ऐसा करना असंभव है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसने अगर इस चीज को इम्पॉसिबल बोला है तो इसने दूसरी चीज के लिए पॉसिबिलिटी भी खड़ी करी है। क्या पॉसिबिलिटी, इसने ये भी तो बोला है कि एक सिंगल रिजर्वायर से ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है विदाउट एनी रिजेक्शन, किसी रिजेक्शन के बिना, यानी कि रिजेक्शन की जरूरत है, ये पॉसिबिलिटी इसने बता दी। रिजेक्शन मतलब कुछ हीट रिजेक्ट भी होगी किसी दूसरे रिजर्वायर में, ठीक है ना, ये इसने पॉसिबिलिटी बता दी, जबकि ये अभी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब इसने सिंपली हमें किसके पास पहुंचा दिया, डायरेक्शनल लॉ जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स उसके पास पहुंचा दिया, ठीक है। अब ये तो था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसके बाद आया क्लोसियस स्टेटमेंट। अब क्लोसियस साहब क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। देखो क्लोसियस का क्या स्टेटमेंट है, क्लोसियस कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, अब यहां पर भी इम्पॉसिबल वाली बात आ रही है, कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन अ साइकिल, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड ट्रांसफर इट टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इसका मतलब ये हो गया, मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर। मान लो ये जो है ये रिजर्वायर है T1, ठीक है, ये है डिवाइस, क्या ये डिवाइस, और ये है रिजर्वायर T2, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो T2 से हीट लेकर, T2 से क्या लेकर, हीट लेकर, लेट सपोज Q2, और किस पर, T1 पर पहुंचा दे, T1 पर हीट पहुंचा दे, क्या करे, T1 पर हीट पहुंचा दे, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो बिना किसी वर्क के, एक्सटर्नल वर्क मतलब ये वर्क होना ही नहीं चाहिए उसके अनुसार,
बिना किसी वर्क के वो इसको यहां पर पहुंचा दे, ये बोल रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। और जहां पर क्या है T2 जो है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर किस से, T1 से, वो यही तो बोल रहा है कि लोअर टेम्परेचर से, कहां से, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर पहुंचा दे, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसको बिना एक्सटर्नल वर्क के वो पहुंचा दे, ठीक है। इसका मतलब इसने भी ये बोला, ये इम्पॉसिबल अगर ऐसा बोल रहे हैं तो दूसरी चीज की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और दूसरी चीज को शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं वर्क की आवश्यकता जरूर है, ठीक है। और यही चीजें बनी फिर हमारा आधार, और ऐसे डिवाइस को हम फिर आगे जाकर बोलेंगे हीट पंप, ठीक है ना भाई। एक तो हो जाएगा हमारा इंजन और एक हो जाएगा हीट पंप, यही होगा। तो इसकी ये भी लिख लेते, अब मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर and deliver it to high temperature reservoir without any external work. ठीक है ना, क्लियर है। इसका कहने का मतलब ही यही है कि श्रीमान अगर ऐसा होता है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है, ऐसी कोई युक्ति नहीं है। अगर मैं हिंदी में लिखूं इस चीज को, ऐसी कोई युक्ति नहीं है जो बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर पहुंचा सके। ये इतनी सी बात है बस, ठीक है। हिंदी में भी आपको समझ में, मतलब ऐसा कोई डिवाइस नहीं, ऐसी कोई युक्ति नहीं है जो ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर पहुंचा सके। और इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये भी यही बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ऐसे इंजन का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है जो सिर्फ एक ही रिजर्वायर पर काम करे, ठीक है ना। ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से ऊष्मा निकाले और बिना रिजेक्शन का मतलब मुक्त करना, बिना ऊष्मा मुक्त करे पूरी कार्य में बदल दे। ये हमारी भाषा में, ठीक है। चलो, दोनों स्टेटमेंट अब अपन ने पढ़ लिए हैं, क्लॉसियस पढ़ लिया है,
प्लांक पढ़ लिया है, अब इन्हीं के आधार पर हम बनाएंगे हीट इंजन। क्या बनाएंगे? हीट इंजन, ठीक है ना। तो हीट इंजन अब हम बनाते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन है किसका? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन कैसे बनेगा? ये मैंने एक रिजर्वायर ले लिया T1, ठीक है, ये मैंने ले लिया इंजन, हीट इंजन, ठीक है, और ये मैंने दूसरा रिजर्वायर ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि एक सिंगल रिजर्वायर में ऐसा हो नहीं सकता, तो दूसरा मुझे लेना पड़ेगा। एक रिजर्वायर से अगर मैं इंजन के लिए हीट ले रहा हूँ, तो मुझे उस हीट को वर्क डन प्राप्त, इंजन क्या करेगा? वर्क देगा मुझे। वर्क देने के लिए मुझे कुछ हीट जो है दूसरे रिजर्वायर में रिजेक्ट करनी पड़ेगी। विदाउट रिजेक्शन इट इज इम्पॉसिबल। तो कुछ हीट मुझे यहाँ पर रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एनर्जी बैलेंस अगर लगाता हूँ, तो मुझे पता है निकली कितनी है, Q1। Q1 मैंने ली टोटल एनर्जी, वो कहाँ कहाँ गई? एक तो W और एक Q2 में, यानी Q1 सारी किस में कन्वर्ट हो गई? Q2 प्लस W। कुछ तो बन गई वर्क, कुछ बन गई Q2 जो रिजेक्ट हुई है कहाँ पर? दूसरे रिजर्वायर पर, पक्की बात है। तो यहां से अगर मैं वर्क डन बताऊं कि मैंने वर्क डन कितना मिला मुझे, तो ये हो जाएगा वर्क डन Q1, जितनी ऊष्मा एक्सट्रैक्ट करी थी और जितनी रिजेक्ट करी थी उसका डिफरेंस, बोल सकता हूं मैं ऐसा। और अगर मुझे बोला जाए कि इस हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, मैं एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि अगर मेरा आउटपुट, मुझे क्या चाहिए आउटपुट? वर्क चाहिए। भाई मैं हीट इंजन को क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वर्क चाहिए। क्या चाहिए? वर्क चाहिए। तो यानी कि मैं जितना आउटपुट मेरा निकल रहा है वर्क आउटपुट, उसका किससे करूंगा मैं? उसको डिवाइड करूंगा मैं इनपुट से। तो यहां पर इनपुट में क्या है? हीट। तो इनपुट हीट हो जाएगा, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, ठीक है। तो ये वर्क आउटपुट कितना है मेरा? W। हीट कितनी है मेरी यहां पर इनपुट वाली? Q1, ठीक है। और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो W को क्या लिखेंगे हम? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इधर ले आते काट पीट कर, ताकि हमारा स्पेस बच जाएगा, ठीक है। लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। और फर्दर जब मैं इसको और लिखूंगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1, इसको इससे डिवाइड करूंगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यही हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। क्या हो जाएगी? ये आपकी एफिशिएंसी। बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में, ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। किसकी? इंजन की, हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है श्रीमान। ऐसे ही अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? ये तो हीट इंजन था, अभी मैं रेफ्रिजरेटर की बात करता हूं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है भाई? फ्रिज के अंदर जो केबिन होता है वो ऑलरेडी वातावरण से कम तापमान पर होता है, तो उस कम तापमान से उच्च ताप पर पहुंचाने का काम करता है। वो क्या करता है? कम ताप से उच्च ताप पर हीट का वो एक्सट्रैक्शन करेगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा था हीट इंजन पर? यहां पर आपको पता चलेगा कि जो उच्च तापमान है उससे निम्न तापमान पर रिजेक्शन हो रहा था, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यानी कि T2 जो है वो कम होगा T1 से। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो T1 है जो कि ज्यादा है, इस पर हीट को रिजेक्ट किया जाएगा ऐसे। और ये किसकी सहायता से? रेफ्रिजरेटर की सहायता से। रेफ्रिजरेटर लगाए, कहां से आएगी हीट? हीट आएगी जो हमारा रेफ्रिजरेशन केबिन होगा, T2 जिसको बोलेंगे हम रिजर्वायर, वहां से आएगी हीट। यानी Q2 हीट आएगी और यहां पर Q1 पे रिजेक्ट होगी। अब ये ऐसा उल्टा करने के लिए, मैंने बताया आपको उल्टा करने के लिए क्या चाहिए होता है। यहां पर मैंने बोला जो हमारा क्लोसियस स्टेटमेंट था, क्लोसियस स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि अगर हम निम्न ताप वाले रिजर्वायर से, उच्च ताप वाले रिजर्वायर पर अगर हीट पहुंचाते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यानी कि इस रेफ्रिजरेटर में क्या चाहिए होगा हमें?
एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसके अंदर वर्क देना पड़ेगा। यहां पर वर्क बाहर निकल रहा था, यहां पर वर्क अंदर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो भाई अंदर वर्क देना पड़ेगा तो अब इसका फॉर्मूला ही बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? यहां से निकली थी Q2, ठीक है, और प्लस इसमें क्या अंदर जा रहा है, इस रेफ्रिजरेटर में अंदर क्या जा रहा है, Q2 जा रहा है प्लस W जा रहा है, ठीक है, बाहर क्या निकल रहा है इससे Q1। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, इसमें क्या अंदर जा रहा था, सिर्फ Q1 जा रहा था, बाहर क्या निकल रहा था W और Q2 बाहर निकल रहा था। तो यहां से भी अगर मैं W की बात करूंगा तो ये अगेन वही आ गया, Q1 - Q2 आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी की अगर मैं यहां पर बात करूं, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी, तो यहां पर हम एफिशिएंसी नहीं निकालते, क्या निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपने पास, जिसको बोलते हैं हम सीओपी, अब यहां पर जो है सीओपी रेफ्रिजरेटर की निकालेंगे हम, तो सीओपी आर लिख देता हूं मैं। क्या होगा ये होगा डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है ना, डिजायर्ड आउटपुट। भाई सबसे पहली बात तो आउटपुट आता है ऊपर अपॉन इनपुट आता है, तो यहां पर डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, जो इनपुट आप उसमें दे रहे हो, ठीक है ना, इनपुट में आप क्या दे रहे हो, सिर्फ वर्क दे रहे हो, ठीक है ना, तो वर्क इनपुट देखो, तो क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट क्या है आपका, डिजायर्ड आउटपुट क्या है आपको, Q1 चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट क्या है बताओ जल्दी से, ऐसा Q1 नहीं चाहिए। देखो डिजायर्ड आउटपुट है कि आप इससे ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन केबिन हो गया, जिसमें से आपको हीट निकालनी है, तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट होगा कि जितनी ज्यादा हीट इसमें से निकाल ली जाए वो उतना ही मेरा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर डिजायर्ड आउटपुट होगा Q2 डिवाइडेड बाई W है, तो भैया W को क्या लिख सकते हो आप, Q2 डिवाइडेड बाई आप जानते हो Q1 - Q2, यही होता है, ये हो जाएगा आपका COPR रेफ्रिजरेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसके सोच चला गया यार, ठीक है, ये क्लियर। अब रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट इंजन हो गया, अब आएंगे आपके हीट पंप। हीट पंप रेफ्रिजरेटर से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, कैसे वो भी मैं बता दूंगा आपको। हीट पंप की अगर मैं बात करूं, फटाफट हीट पंप भी पढ़ लेते हैं अपन। हीट पंप पे कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही सेम होता है, ये T1 है जो कि हायर टेम्परेचर पे है, जहां पर हीट डिलीवर हो रही है Q1, ठीक है, कौन डिलीवर कर रहा है, अब यहाँ पर हीट पंप करेगा, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर सा कहाँ से निकालना हो रहा है, ये केबिन से निकालना हो रहा है, T2 वाले से, क्या निकल रही है, Q2 निकल रही है। अच्छा, यहाँ से ये अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब उच्च तापमान पर हीट डिलीवर करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर वर्क डन की आवश्यकता होगी, पक्की बात है, होगी सही। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी W = क्या हो जाएगा, वही Q1 - Q2 यही होगा, आप करके देख लो वर्क इनपुट। अब मैं यहां पर अगर सीओपी की बात करूं, COPHP हीट पंप की बात करूं, तो यहां पर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा, मैं ये चाहूंगा कि मेरा हीट पंप उतना ही एफिशिएंट होगा जितनी ज्यादा ये उच्च तापमान पर हीट डिलीवरी कर पाए।
जितनी ज़्यादा ये उच्च तापमान पर हीट डिलीवरी कर पाए। तो उच्च तापमान कौन सा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उच्च तापमान, ठीक है ना, उच्च ताप, और ये क्या है निम्न ताप। तो उच्च ताप पर जितनी हीट डिलीवर कर पाए, और पहले क्या था मेरे डिजायर्ड आउटपुट कि निम्न ताप से जितनी हीट निकाल पाए, तो यहां पर जो है अब बदल चुका है सी, तो यहां पर होगा ये Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये हो जाएगी COP HP। पहले क्या था Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अब अगर हम देखें यहां से मुझे एक रिलेशन देखने को मिल जाता है, क्या रिलेशन देखने को मिल जाता है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं एक साथ तो स्पेस हमारी बच जाएगी। ठीक है सर, अब यहां पर मैं अगर बात करूं, ये हमारा है, यहां पर आप देखना COP HP, जो COP HP है हमारे पास नीचे क्या है Q1 माइनस Q2, तो यहां पर ऊपर क्या है COP HP में Q1, तो अगर मैं यहां पर COP HP और COPR कर दूं तो क्या होगा भाई, देखो तो क्या होगा, यहां पर ये आएगा Q1 माइनस Q2, यही आएगा, और ये क्या था COPR Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। अच्छा ये बात ध्यान है क्या, यहां पर आप देखोगे ये मैं LCM ले लूंगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 और नीचे भी क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो क्या ये 1 नहीं आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा पूरा का पूरा ही 1 आ जाएगा, है ना, और ये 1 आने पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि COP HP माइनस COP रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर आपको हीट पंप की COP निकालनी है और आपको रेफ्रिजरेटर की COP दे रखी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हीट पंप की COP 1 ज़्यादा होगी किसे रेफ्रिजरेटर की COP से। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। कोई दुविधा नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यहाँ पर कारनोट इंजन के बारे में बता देता हूँ, देखो कारनोट एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारनोट इंजन के बारे में अगर हम बात करें, किसकी कारनोट इंजन, तो ये एक आइडियल इंजन है, ये एक सबसे बेस्ट इंजन है। जैसे मैंने वहां पर बोला था कि यार आइडियल गैसेज वास्तव में एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती, लेकिन फिर हम उनको क्यों पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ते हैं कि उनके आधार पर हम जो वास्तव में होता है उसको कंपेयर कर सकें कि अगर आदर्श तरीके से होता तो इतना ज्यादा होगा, तो हम आदर्श के कितने पास जाते जा रहे हैं, वास्तव में तो आदर्श है नहीं लेकिन हम उसके कितने पास जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी कारनोट इंजन एक ऐसा ही इंजन है जो आदर्श इंजन है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, तो एक्चुअल इंजन जो होगा उसकी एफिशिएंसी इससे कम होगी, ठीक है, इससे कम होगी, तो हम एक्चुअल इंजन की हमेशा ही कोशिश करने की कोशिश करेंगे उसको इंक्रीज करने की, किसको एफिशिएंसी को, कि हम ये कारनोट इंजन जितना बना दें, जबकि कारनोट इंजन वास्तव में है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो हम मानते हैं जो हमारा ये काल्पनिक इंजन है कारनोट इंजन, ये कैसा है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें 4 साइकिल होते हैं, कितने साइकिल, 4 साइकिल, जिसमें पहले से दूसरा साइकिल होता है क्या आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन,
पहला क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आप जान जाएंगे आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आप सब लोग पहले से पहचानते हैं कंप्रेशन, ठीक है। फिर दो से तीन क्या होगा, ये होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक। क्यों बोलते हैं ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, इसी में आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये होगा, यहां पर मैं लिखा देता हूं, इसको आप बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये कार्नोट इंजन के अंदर चार प्रोसेस होते हैं, ये चार प्रोसेस का एक साइकिल होता है, ठीक है ना। फिर मैं 3 से 4 में अगर जाऊं तो 3 से 4 में अब एक्सपांशन आ जाएगा, जिसमें आएगा सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है ना। और 4 से 1 अगेन आएगा आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ये हो गए चारों साइकिल। अब इनको अगर मैं पीवी डायग्राम पर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ये मेरा प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है पहले से ही कि किस टाइप से क्या होगा। ये कंप्रेशन है तो वॉल्यूम पहले ज्यादा होगा और फिर कम होगा, ज्यादा से कम होगा, यानी V1 की अगर मैं बात करूं तो V1 कहीं यहां होगा तो V2 कहीं यहां होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन ये आइसोथर्मली हो रहा है, तो आइसोथर्मली वॉल्यूम कब कम होता है आप जानते हो, वैसे एक्सपांशन और कंप्रेशन में। आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ग्राफ जो अपन ने बनाए थे कैसे बनाए थे, अगर मैं ऐसे चलता हूं, ये बनाया था मैंने किसका, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यहां पर पीवी डायग्राम है, ये बनाया था मैंने किसका, पीवी कांस्टेंट का, मतलब आइसोथर्मल, जिसमें क्या था एन इज इक्वल टू 1, ये क्या था एन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहां पर क्या था एन इज इक्वल टू के, और यहां पर क्या था एन इज इक्वल टू गामा, यही था बनाया था अपन ने, जिसमें था पीवी गामा कांस्टेंट, ठीक है, एन बराबर के में था पीवी की पावर के कांस्टेंट, यही था, इतनी बात थी, ठीक है। और ये ऐसा प्रोसेस था, उसको बोला था मैंने n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आइसोकोरिक, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, v इज इक्वल टू c, यही थे पूरे प्रोसेस जो हमने पढ़े थे। इन्हीं के आधार पर अगर मैं बनाऊं, अगर मैं बात करता हूं किसकी बात कर रहा हूं, आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल कौन सा, ये वाला है, दूसरा वाला जिसमें n इक्वल टू 1 है, तो इसको ऐसे ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये 1 से 2 की तरफ कंप्रेशन है, कैसा कंप्रेशन है मैं यहां पर बताऊंगा आपको। ये कंप्रेशन है पीवी कांस्टेंट का, पीवी कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल का। इसके बाद एक और कंप्रेशन है, दूसरा कंप्रेशन क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक का यहां है, तो इसका स्लोप तो इससे भी ज्यादा है, तो इसका स्लोप इससे भी ज्यादा, तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना, कैसा, ऐसा। ये भी कंप्रेशन है V2 से V3, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ठीक है। ये पॉइंट यहां था 2 वाला, और ये ऐसा कंप्रेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ये इसे थोड़ा मैच कर गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब आएगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन कैसा होगा, अगेन वैसा ही होगा, आइसोथर्मल इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक्सपांशन 3 to 4, ये पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, मैं आगे लिख दूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि 4 से 1 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो जैसे ही ये कंप्रेशन हुआ वैसा ही ये एक्सपांशन हो गया, ये हो गया आपका साइकिल। ये वाला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल, ये वाला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल। ये एक्सपांशन था, ये कंप्रेशन था, ये कौन सा था, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन था, जिसे को आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोला, तो ये यहां पर आ जाएगा कंप्रेशन। ये क्या था, एक्सपांशन, लेकिन ये कॉन्स्टेंट इसमें था, ठीक है। ये बना पीवी डायग्राम, ऐसे बना सकते हो इस साइकिल का पीवी डायग्राम। अब अगर मैं आऊं टीएस डायग्राम पर, ध्यान देना, टीएस डायग्राम बनाने वाला हूं मैं। टीएस डायग्राम बहुत ही आसान डायग्राम होता है। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी, एस मतलब क्या होगा, एंट्रोपी, ध्यान रखना। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी,
तो मैं यहां पर बोलूंगा आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस बनेगा 1 to 2, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर बात है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया मैंने, लेकिन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज कैसे होगी भाई, कंप्रेशन है। आगे अपन बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। मैं यहां पर थोड़ी सी डिटेल लिखा देता हूं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी का मतलब है रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब जो ज्यादा दूर तक घूम के आएगा, ज्यादा दूर तक अगर पार्टिकल घूमेंगे, दूर तक पार्टिकल का घूमना, ठीक है। अभी के बस अभी के लिए इतनी सी नॉलेज दे देता हूं, ये हो जाएगा एंट्रोपी। तो अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कण पास पास आएंगे, क्या ज्यादा दूर तक फैल रहे हैं, क्या उनकी रेंडमनेस बढ़ी, नहीं, वो तो और कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई, यानी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि वॉल्यूम अगर कम होगा तो एंट्रोपी क्या हो गई यहां पर, कम, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए एंट्रोपी कम कैसे करेंगे हम, ऐसे कर ली एंट्रोपी कम, ये 1 से चला 2 पर आ गया। फिर क्या था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बनाएंगे अपन तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा भाई, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम करेंगे तो भाई एंट्रोपी को सेम रखना है, रेंडमनेस सेम रहेगी। तो रेंडमनेस अगर सेम रहेगी, दूर दूर तक वाले सेम रहेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कंप्रेस कर रहे हो आप उसको तो कुछ तो इंक्रीज होएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर, ऐसा आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी तो सेम एंट्रोपी पर टेम्परेचर ऐसा बढ़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा तीसरा। 3 से 4 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जैसे कंप्रेशन हुआ था वैसे एक्सपेंशन हो गया। और फिर ये, यानी कि ये साइकिल कैसे चला, ऐसे चला, ठीक है। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं नोटेशंस, ये क्या था, आइसेंट्रोपिक, सॉरी आइसोथर्मल, पीवी की पावर को, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, ये आइसेंट्रोपिक था, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, ये पीवी कांस्टेंट और ये पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में चलता है, दो टेम्परेचर लिमिट्स, जिसमें ये आ गया टी मैक्स, ठीक है ना, और ये आ गई आपकी लिमिट टी मिन, ऐसे रेंज करता है, ये हो गया टी एस डायग्राम। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, हेमराज प्रजापत जी गुड मॉर्निंग, टी एस डायग्राम बन गया ये आपका, किसका, कारनोट इंजन का। अब कारनोट इंजन के लिए जो मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, जैसे हमने एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकाली थी, एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी हमने कैसे निकाली थी बताओ, जो इंजन बनाया था वहाँ पर हीट इंजन, 1 - Q2 / Q1 यही था। Q2 क्या था मैं यहाँ पे बता देता हूँ, Q2 क्या था आपका इंजन का, लोअर टेम्परेचर पर, Q2 क्या था, निम्न तापमान पर हीट, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं इसी एफिशिएंसी को कारनोट इंजन के लिए लिखूं तो कारनोट इंजन के लिए क्यों ये आएगा ये भी बता दूंगा, 1 - T2 / T1 हो जाएगा, ठीक है ना। T2 क्या है, T2 को मैं बोल सकता हूं लोअर टेम्परेचर, TL भी बोल सकता हूं T2 को, लोअर टेम्परेचर क्योंकि कई जगह पर TL लिखा होता है, ठीक है ना। और T1 क्या है, उच्च तापमान, यानी कि हायर टेम्परेचर, TH ये लिख सकता हूं, ठीक है श्रीमान। ये हो गई मेरी कारनोट एफिशिएंसी, और कारनोट एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी प्रोसेस की, मैंने बताया था आपको कारनोट एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, ठीक है। वैसे अगर मैं कारनोट वाली बात करूं, वैसे मैं आइडियल और रिवर्सिबल और ऐसे आइडियल इस सिस्टम की बात करो तो कारनोट रेफ्रिजरेटर जो होगा, कारनोट इंजन की तरह कारनोट रेफ्रिजरेटर होगा, उसका सीओपी क्या होगा, मैंने बताया था यहां पर सीओपी में रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो निम्न ताप पर केबिन होता है, निम्न ताप पर केबिन होता है, उससे हीट निकालना, यानी उससे हीट निकालने का क्या था आपका एक्चुअल में, Q2 - Q1 यही था, यह था एक्चुअल वाला, क्या था ये एक्चुअल, ठीक है ना। और इसका भी मैं कारनोट वाली बात करूं, COPR कारनोट, यानी कि
रेफ्रिजरेटर की भी कार्नोट एफिशिएंसी की बात करो तो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। और अगर मोर स्पेसिफिक बात करें तो लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना, मैंने बोला T2 क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। वैसे ही अगर मैं COP किसकी निकालूं, हीट पंप की निकालूं, किस केस में, कार्नोट केस में, आइडियल केस में, तो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर उसमें Q1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2, या फिर लिख लो T हायर अपॉन T हायर माइनस TL, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी आपको, ये हो जाएगी कार्नोट केस में, ये हो जाएगी रिवर्सिबल कार्नोट हो जाएगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम COP क्या हो सकती है, इतनी हो सकती है, किसकी, रेफ्रिजरेटर की, और हीट पंप की इतनी हो सकती है, ये मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, एक्चुअल की हमेशा इससे कम होगी, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, कि जो एफिशिएंसी होती है, कार्नोट एफिशिएंसी या कार्नोट COP, ठीक है, कार्नोट एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, एक्चुअल से, एक्चुअल से हमेशा ज्यादा होती है, ये हमेशा पॉसिबल है, एक्चुअल से हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन अगर कार्नोट की एफिशिएंसी के बराबर एक्चुअल एफिशिएंसी हमारी आ रही है तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। लेकिन हम मान सकते हैं कि सब चीजें आइडियल हो तो ये पॉसिबल हो सकती है, इसको हम बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल, मतलब ये कहने के लिए हो सकता है, हाइपोथेटिकल मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ कभी ना कभी तो हो जाएगी जब सारी कंडीशन बिल्कुल सही सही काम कर रही होंगी। लेकिन एक और कंडीशन यहां पर देखना, क्या कार्नोट इंजन से, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से कभी एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है क्या, बताओ चैट में, क्या ऐसा हो सकता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यही चीजें अभी अपन पढ़ने वाले क्लॉसियस इनइक्वालिटी पर, क्या पढ़ेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी में, क्लियर है श्रीमान, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जैसे अभी आपने देखा कि अगर मुझे किसी इंजन का पता करना है, अगर ध्यान रखना, अगर वो इररिवर्सिबल है, ध्यान रखना इररिवर्सिबल है, तो कैसे पता चलेगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं, इररिवर्सिबल है तो मैं यहां से पता कर सकता हूं, मैंने एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी मेजर करी और कार्नोट इंजन की करी, दोनों में कंपेयर किया, अगर एक्चुअल वाले की एफिशिएंसी कार्नोट से कम आ रही है, यानी कि इररिवर्सिबल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इररिवर्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, ठीक है, एक्चुअल है और इररिवर्सिबल। यहां पर अगर हम देखेंगे, जो मैंने कैलकुलेट किया एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी, वो अगर कार्नोट के बराबर आ रही है तो मैं बोलूंगा कि हाइपोथेटिकल है और रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल, ठीक है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं, यानी रिवर्सिबिलिटी और इररिवर्सिबिलिटी का पता हम कहां से लगा सकते हैं, यहां से। लेकिन हम हर केस में क्या इससे पता लगा सकते हैं, नहीं, हमें कैसे पता चलेगा वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा वो मैं अभी बता रहा हूं। यहां पर हम बात करें क्लॉसियस इनइक्वालिटी की, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो है, ये तो था सिर्फ दो टेम्परेचर रिजर्वायर की बात चल रही थी अपनी, जिसमें अपन ने देख लिया कि दो टेम्परेचर रिजर्वायर है तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्चुअल और एक्चुअल, मान लो कोई इंजन है वो तो दो ही रिजर्वायर में काम कर रहा है तो हम ये एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिजर्वायर में वो काम कर रहा है, मान लो वो कर रहा है तीन रिजर्वायर में, ठीक है ना, वो दो रिजर्वायर से हीट लेता है और इस इंजन में देता है और एक रिजर्वायर पे वो हीट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना, ऐसे। अगर ऐसा है तो क्या आप बता सकते हो कि ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कैसा है, नहीं बता सकते, क्योंकि आप एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, जब मोर देन वन रिजर्वायर आ जाएगा तो आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे बताओगे, नहीं।
तो भाई इसको ज्ञान करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये क्लोसियस इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं। क्लोसियस इनइक्वालिटी क्या होती है कि अगर मैं हीट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, अगर हीट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर सम कर दूं मतलब एक साइक्लिक सम की बात कर रहा हूं मैं, पूरे साइकिल में, पूरे इंजन के साइकिल में अगर सम कर दूं, तो ये अगर क्या आता है, ये अगर आता है क्या आना चाहिए बताओ, लेस देन इक्वल टू, देखो ये अगर जीरो आता है तो मैं बोलूंगा कि ये परफेक्टली रिवर्सिबल है, ये अगर जीरो आता है तो बोलूंगा परफेक्टली रिवर्सिबल है, लेस देन वन आता है, लेस देन जीरो आता है तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लेकिन अगर ये सम जो है हीट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब ये भी प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल। जैसे वहां पर इम्पॉसिबल था, यहां पर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बता देता हूं, जब ये रिवर्सिबल कब होगा, जब डेल्टा क्यू और ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। एंड इरिवर्सिबल कब होगा, जब ये साइक्लिक सम ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये हो जाएगा लेस देन जीरो, ठीक है, ये होगा इरिवर्सिबल। क्लियर है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो डेल्टा क्यू बाई टी में लिख रहा हूँ, ये एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है। डेल्टा क्यू क्या है, पाथ फंक्शन, लेकिन डेल्टा क्यू बाई टी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन का मतलब थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, इसीलिए तो इंटीग्रेशन हुआ, डायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी हो गया, ये थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल होती है किस पे, एंट्रोपी के, किसके इक्वल होती है, एंट्रोपी के इक्वल होती है, ध्यान देना, एंट्रोपी के इक्वल होती है क्या, ये थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी। ये थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ही किसके इक्वल होती है, एंट्रोपी के इक्वल होती है, सॉरी, ये होता है चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है श्रीमान। अब मैं यहां पर देख लेता हूं एंट्रोपी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। देखो यहां पर मैंने बोला कि ये एंट्रोपी है, ये डेल्टा क्यू बाई टी है, ठीक है। ये बराबर जब होगा, जब ये इक्वल होगा, ये कब होगा, जब प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो इससे, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, कैसा भी हो सकता है ये,
अब अगर मैं बात, इसका मतलब ये होगा, पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि डीएस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, और वी कैन से डेल्टा क्यू बाई टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यही होगा भाई, इक्वल है तो, ठीक है ना। और नेगेटिव का मतलब होगा डीएस कैन बी लेस देन जीरो, यही होगा डेल्टा क्यू बाई टी, और इसका मतलब होगा डीएस इज जीरो, ठीक है ना, समझ में आएगी बात। ठीक है, ये वाला है, ये किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए बात करूं तो डीएस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल के लिए ऑलवेज, समझ में आ रही है, डीएस क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंट्रोपी चेंज है ये ज्यादा होता है रेंडमनेस, किसमें, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में ये ज्यादा होता। अब इसको इससे कंफ्यूज मत होना कि यार यहां पर भी तो ग्रेटर देन जीरो था, यहां पर ग्रेटर देन, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, दिस इज सम स्पेसिफिक अमाउंट, ये कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, उससे ज्यादा, जीरो से ज्यादा नहीं बोल रहा है, ये जीरो से ज्यादा तो वो हो ही गया, ये इस अमाउंट से ज्यादा होगा इरिवर्सिबल के लिए, और रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, वो वाला होगा, ये बात ध्यान रखना, इज इट क्लियर। ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया यार। मैं रिवर्सिबल साइकिल के लिए बात करूं तो मैंने क्या बोला अभी रिवर्सिबल साइकिल के लिए कि डीएस जो है वो बराबर होगा किसके, डेल्टा क्यू बाई टी के, डीएस बराबर होगा डेल्टा क्यू बाई टी। अब यहां पर ये जो डेल्टा क्यू है ये डिपेंड करता है यार, अगर मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू, टेम्परेचर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, टेम्परेचर नेगेटिव होगा ही नहीं अभी हमारे पास यहां पर, ठीक है ना, मोर देन जीरो की बात कर रहे हैं अपन, तो ये पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तब, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यही है मतलब, हीट एड होगी तभी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डीएस की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा क्या है, इस किस पे डिपेंडेंट, डी क्यू बाई टी पर, अगर ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव किस केस में हो सकता है, जब डेल्टा क्यू नेगेटिव हो, और डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा, ध्यान दे, जब हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, आप सब जानते हो इस बात को, रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जीरो कब होगा, सर ये बुक में उल्टा दे रखा, बुक वाले ऐसे देते हैं यार कुछ भी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव होगा, यहां पर ही मैं लिखा देता हूं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि डीएस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, इसका मतलब ये होगा कि यार ये जो डीएस को एस टू माइनस एस वन लिख सकता हूं, लिख सकते हो ये ग्रेटर देन जीरो, और फर्दर अगर मैं चलू तो इसका मतलब ये होगा कि एस टू जो है वो ग्रेटर देन एस वन हो जाएगा, ये यहां से, यानी कि क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर मैं वही बात करता हूं, यहां पर मैं वही बात करता हूं, इसको वापस थोड़ा सा पास सेट कर देते हैं, यहां पर मैं वही बात करता हूं, क्या करूंगा अभी, यहां पर देखो, यहां पर भी यही है, मैंने बोला कि डीएस जो है वो क्या हो जाएगा,
नेगेटिव है तो लेस देन जीरो को ही नेगेटिव बोलते हो ना आप, इसका मतलब ये होगा कि एस टू माइनस एस वन इज लेस देन जीरो। इससे मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि एस टू इज लेस देन एस वन, ठीक है। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि यार जो पहले वाली थी एंट्रोपी वो ज़्यादा थी अभी नई वाली से। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी में क्या हुआ, डिक्रीज, एंट्रोपी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देखो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया मैंने इसका, समझ में आई होगा आपको एंट्रोपी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, डीएस इज इक्वल टू, आप यहां पर जो पढ़ रहे थे अभी जस्ट आपने देखा, डीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी हम लिखते हैं, ठीक है। ये जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा जरा बताओ, जरा बताओ चैट में जीरो कब आएगा, जब डेल्टा क्यू जीरो होगा तभी आएगा, पक्की बात है, जब डेल्टा क्यू जीरो होगा। अच्छा ये बताओ यार ये डेल्टा क्यू जीरो कब होता है, डेल्टा क्यू जीरो कब होता है, कब होता है डेल्टा क्यू जीरो, कौन से प्रोसेस में होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। किस में होता है, रिवर्सिबल तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, लेकिन हम एडियाबेटिक की बात भी कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हीट ट्रांसफर जीरो होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मैं यही तो बोलता हूं ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जीरो है, तो डीएस इज इक्वल टू जीरो, डीएस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, डीएस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डीएस जीरो होने का मतलब क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, S2 इज इक्वल टू S1, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी, कौन सी एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी, और जहां पर जो कांस्टेंट हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, आइसो, और एंट्रोपी कांस्टेंट है तो आइसो एंट्रोपी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इसी को बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं हम कौन सा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, किसको, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को। समझ में आ गई बात, क्यों बोल रहे थे इतनी देर से, मैंने बोला था आगे मैं जरूर बताऊंगा जब अपन एंट्रोपी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको एक बात बता दी, फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल के लिए ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, इरिवर्सिबल के लिए ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रह गई है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, यूनिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्स की एंट्रोपी पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, कई बार पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अगर आप किसी DRDO, NPCIL, आप कहीं भी जाते हो और इंटरव्यू अगर आपका होता है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो इनवर्स में अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स एक्ट एज, आपने पढ़ा था जब साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिवर्स एक्ट एज एडियाबेटिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ऐसा, आइसोलेटेड पढ़ते हैं ना, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में ना कोई मास ट्रांसफर होता है और ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह काम करता है ये। इसका मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, डेल्टा क्यू अगर यहाँ पर जीरो होता है तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी में चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक है, एस टू माइनस एस वन हो जाएगा, सॉरी एस टू इज इक्वल टू एस वन हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट एंट्रोपी हो जाएगी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन किंतु परंतु यहां पर क्या होता है कि इनसाइड द यूनिवर्स यूनिवर्स के अंदर ही फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ यूनिवर्स, इंटरनल फ्रिक्शन यानी कि यहां पर जो है यूनिवर्स के अंदर कई सारी चीजों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, और उसकी वजह से हीट डेवलप होती है और यहां पर डेल्टा क्यू जीरो नहीं हो पाता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, और सो दैट डीएस इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, यानी कि इसकी एंट्रोपी क्या है, हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल नेवर डिक्रीज, हमेशा बढ़ेगी, इसे ऑलवेज इंक्रीज,
इसका मतलब ये है, आपसे कई बार स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, हमेशा बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये हो गया एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, दोबारा बताना, दोबारा बता दिया बेटा। यूनिवर्स जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह काम करता है जैसे हम मानते हैं, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं ना अपन इसको, तो आइसोलेटेड में हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर दोनों जीरो होता है, तो यहां पर हीट ट्रांसफर जीरो है, ठीक है ना। एडियाबेटिक की जगह मैं लिख देता हूं आइसोलेटेड, मैंने ये पहले लिखाया हुआ है पिछले, अगर आपने वो देखे होंगे लेक्चर्स तो उसमें लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम, ये जीरो है, तो ये डीएस भी जीरो हो जाएगा। अब डीएस जीरो हो जाएगा तो यानी कि एंट्रोपी भी यहां पर सेम रहेगी, कांस्टेंट एंट्रोपी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये इनकी एंट्रोपी हमेशा हमेशा इंक्रीज करती रहती है, कभी कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब मैं आपको यहां पर दो चीजें बताता हूं, दो बातें बताता हूं। एक तो बताता हूं परपेक्चुअल मोशन मशीन वन, परपेक्चुअल मोशन मशीन, इसको लिख लो आप परपेक्चुअल मोशन मशीन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। किसकी फर्स्ट की, पीपीएम फर्स्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम पीपीएम, पीएमएम फर्स्ट, सॉरी। ये जो पीएमएम फर्स्ट है इसका क्या बात है भाई, इसका क्या सीन है। पीएमएम फर्स्ट जो है, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको वॉयलेट करती है। कैसे वॉयलेट करती है, ये बोलता है ऐसा डिवाइस जो कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूसेस वर्क, कॉन्टिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस वर्क without absorbing, कैसा possible है, any energy, without absorbing, yeah, without absorbing energy in any form, in any form, मतलब किसी भी रूप में ऊर्जा को नहीं लेगा फिर भी वो वर्क प्रोड्यूस करेगा। जैसे बाइक हो गई आपकी, बाइक में आप पेट्रोल नहीं डालो तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी। लेकिन ऐसी अगर कोई डिवाइस है जो बिना एनर्जी के, बिना तेल पानी कुछ मत डालो उसमें, ना कोई ऑयल डालना है ना कोई डीजल पेट्रोल डालना है और फिर भी आपको चलाती रहे, ऐसी अगर कोई मशीन बन जाती है तो उसको बोलेंगे हम PMM1, परपेक्चुअल मोशन मशीन फर्स्ट, क्योंकि वो किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं कर रही है फिर भी हमें क्या दे रही है, कार्य दे रही है, ठीक है। इट वॉयलेट्स, इट्स वॉयलेट पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, वॉयलेट की कैसे लिखते हैं आप सब लोग चेक कर लेना। इट वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। ऐसी एक है परपेक्चुअल मोशन मशीन सेकंड, ठीक है ना। क्या है, पीएमएम सेकंड भाई, पहली वाली तो पहले वाले को करेगी तो सेकंड वाली किसको करेगी, सेकंड वाले लॉ को वॉयलेट करेगी। अच्छा, सेकंड वाली क्या बोलती है, सेकंड वाली बोलती है कि हम वर्क प्रोड्यूस कर दें लेकिन हम दूसरे रिजर्वायर का यूज ही ना करें। जैसे मैंने जो वहां पर बोला था कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कि भाई हम ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करें और उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द एनी रिजर्वायर, यानी किसी दूसरे रिजर्वायर को, किसी दूसरे रिजर्वायर को हम कोई हीट का उत्सर्जन किए बिना ही वर्क में कन्वर्ट कर दें।
डिवाइस प्रोड्यूसेस वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट। देखो मैंने आपको समझा दी भावना, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा डिवाइस जो बस कार्य उत्पादित करता रहे बिना किसी ऊर्जा के, मतलब एब्जॉर्प्शन के। फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर विदाउट रिजेक्टिंग हीट, ठीक है ना। अब ये ऐसा है तो ये क्या करेगा, इट वॉयलेट्स क्या करता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि जो दूसरा नियम है थर्मोडाइनमिक्स का, उसको ये क्या करता है, वॉयलेट करता है। सिंपल सी बात, ये होगी दोनों डेफिनेशन, ठीक है। बता दिया मैंने आपको यहां पर सारा कुछ। अब हमारा ये जो थर्मोडाइनमिक्स है, ये यहां तक लगभग संपूर्ण चीजें हमने खत्म कर ली हैं। अब बस इस पर कुछ प्रश्न करने बाकी रह गए हैं, ठीक है। अब कुछ एक प्रश्न मैं करा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं अपन कुछ एक क्वेश्चन, फिर अपन अगला स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन लेस हीट इंजन कैन बी, ध्यान देना, फ्रिक्शन लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज 100% एफिशिएंट। कब हो सकता है, देखो यहां पर ये फ्रिक्शन लेस है तो ये बोल रहा है रिवर्सिबल, तो मैं मान लेता हूं कि कारनोट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, कारनोट हो सकता है। तो एफिशिएंसी इसकी 100% कब होगी, जब ये TL अपॉन TH जो है ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तभी तो ये वन आएगी, वन आते ही क्या हो जाएगा 100%, तो इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर, लेस देन इट्स इनपुट टेम्परेचर। तो ये जीरो कब होगा, जब ये लोअर टेम्परेचर है ये जीरो हो जाएगा, भाई हायर टेम्परेचर को जीरो करते हैं तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये जो है इसका जो लोअर टेम्परेचर होगा, ओनली इफ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, यहां पर मैं एग्जॉस्ट ही बोलता हूं ना उसको, ये T1 है जहां से ये निकल रही है, इंजन की बात चल रही है तो ये इंजन होगा ये W, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट होगा मेरा, ये एग्जॉस्ट होगा T2 जो कि TL होता है और ये TH होता है, आप जानते हो लोअर पे आता है इंजन का, ठीक है ना। तो ये जो TL होगा ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तो यहां पर जीरो केल्विन, डिग्री मत लिखना, डिग्री नहीं, सारी यहां पर यूनिट जो होती है केल्विन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, केल्विन प्लांक लो डील्स विद, अब केल्विन प्लांक किसके लिए डील करता है, आपको मैंने बताया केल्विन प्लांक ने क्या बोला था भाई, कि जो हीट का वर्क में कन्वर्जन है वो 100% नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू वर्क के बारे में बात कर रही है, एमपी सब इंजीनियर में आया वो, छत्तीसगढ़ जी 2008 में आया, ये 11 में आ गया, यही क्वेश्चन जो है दो दो तीन तीन बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये छत्तीसगढ़ जेई में पूछा गया, वही उसके बाद 2011 में ये एमपी सब इंजीनियर में पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन ने तो हद कर दी है, तो चार का तो मैंने लिखा ये हजार एग्जाम में आ चुका होगा, ठीक है ना। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, हमने इसमें नई चीज क्या पढ़ी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी किसने डिफाइन करी थी, फर्स्ट लॉ ने, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी फर्स्ट लॉ ने डिफाइन करी थी, सेकंड लॉ ने एंट्रोपी डिफाइन कर दी। 2016 में आया क्वेश्चन है ये, 2016 में तीन एग्जाम में आया, यूपी SSSC जेई में, राजस्थान जेई में, एमपी सब इंजीनियर जेई में 2016 में, और 2008 में छत्तीसगढ़ जेई में भी आ गया, और कई सारे एग्जाम में भी आया होगा। चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, चेंज ऑफ एंट्रोपी डीएस किस पर डिपेंड करता है, फॉर रिवर्सिबल साइकिल डेल्टा क्यू बाई टी, किस पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ मास पर करता है क्या, नहीं, चेंज ऑफ टेम्परेचर पे कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर यहां पर मैं कॉन्स्टेंट ले रहा हूं, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट पर कर रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट नहीं है, चेंज ऑफ हीट पर ये कर रहा है डेल्टा क्यू पर, ठीक है ना, डेल्टा क्यू मतलब चेंज ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मशीन प्रोड्यूसेस 100 किलो जूल, मशीन क्या है 100 किलो जूल का वर्क प्रोड्यूस कर रही है, यही बोल रहा है वो, स्पेंट 100 किलो जूल हीट, और हीट भी इसने कितनी स्पेंड करी 100 किलो जूल, इसका मतलब उसने नो रिजेक्शन, क्या बोला उसने, नो रिजेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं, कौन सा हो गया, कौन सी मशीन होगी, कोई रिजेक्शन नहीं,
100 किलो जूल हीट उसने एंटर कराई और 100 किलो जूल ही वर्क कर दिया, नो रिजेक्शन। नो रिजेक्शन वाला मेरा है, मैं यहीं पे अभी आपको रिवाइज करा देता हूँ, नो रिजेक्शन वाला लो है मेरा पीएमएम सेकंड, ठीक है ना। डिवाइस प्रोड्यूसेस वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द सिंगल रिजर्वायर, और अगर ये हीट एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, बिना हीट के कर रहा है, जीरो हीट और सिर्फ वर्क डन, तो वो पीएमएम फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये पीएमएम सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क इज लिमिटेड बाय द टेम्परेचर एट विच कन्वर्जन अकर्स। ये कौन है भाई, हीट का कन्वर्जन हो रहा है वर्क में और टेम्परेचर वेम्परेचर की बात हो रही है, तो ऐसा किस में होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही होता है, ठीक है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही होता है। यहां पर आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल अगर इरिवर्सिबल है, मैंने आपको क्या बताया था, डीएस क्या होता है, ऐसा डेल्टा क्यू बाई टी। डीएस की अगर मैं बात करूं, मेरे बात ध्यान से सुनना, डीएस क्या है, अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से लेस देन, ठीक है। अब अगर ये इरिवर्सिबल है तो मैंने क्या बताया था, इरिवर्सिबल के लिए डीएस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाय टी होना चाहिए, ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाय टी। इरिवर्सिबल के लिए अब यहां पर देखो यार, जीरो होगा क्या, नहीं, लेस देन जीरो होगा क्या, नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जीरो होगा क्या, नहीं भाई, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में जीरो हो सकता है, रिवर्सिबल में जीरो हो सकता है, और रिवर्सिबल में ही लेस देन जीरो हो सकता है, जब ये खुद इससे बड़ा है तो ये ग्रेटर देन जीरो ही होंगे ना, क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहां पर इरिवर्सिबल के लिए होगा ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ये नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा तो ये इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी सब इंजीनियर का 2015 का, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी देन द एरिया अंडर द कर्व वुड गिव्स अस। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने शायद आपको इस क्लास में नहीं बताई ये बात, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। क्या मैं ऐसे लिखता हूँ रिवर्सिबल साइकिल के लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, क्या मैं टी को इधर मल्टीप्लाई करूँ, टीडीएस हो जाएगा ये डेल्टा क्यू हो जाएगा। क्या ये क्यू मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ टीडीएस फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, डीएस एक्सिस पे यानी एंट्रोपी एक्सिस पे हो जाएगा। अगर मैं टीएस डायग्राम बनाऊं मैं तो टीएस डायग्राम पर अगर कोई ऐसा कर्व है तो उस कर्व का एंट्रोपी एक्सिस पर जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, वो देगा हीट। क्या देगा? हीट। ध्यान रखना, वो क्या देगा? हीट। तो अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर तो कौन देता है? पीवी डायग्राम देता है। टीएस डायग्राम क्या देता है? हीट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, पीवी डायग्राम क्या देता है? एरिया ऑफ, पीवी डायग्राम देता है क्या? वर्क, ठीक है। और टीएस डायग्राम क्या देता है? हीट। ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड रिजेक्टेड मास ऑफ ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं, ये क्या लिख रहा है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन वैसे तो सही हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा सही माना वो इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके लिए है भाई, ये वाली पंक्ति किसके लिए होती है, मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। किसके लिए? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल सिस्टम में इरिवर्सिबल को हटा दो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिवर्सिबिलिटी, हटाओ, ऑल रियल प्रोसेस के लिए नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये सिर्फ वैलिड है। कार्नोट साइकिल के अंदर क्या होता है? वन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है क्या? नहीं, दो दो होते हैं, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल होते हैं, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गए कुछ हमारे क्वेश्चंस जो इस पर आधारित थे। अब यहाँ पर हमारा थर्मोडाइनमिक्स का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो उठाएंगे वो उठाएंगे हीट ट्रांसफर, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है तो हीट ट्रांसफर उठाएंगे, फिर पावर प्लांट उठाएंगे, फिर तीनों एक स्ट्रीम के सारे हो जाएंगे तो फ्लूड मैकेनिक्स उठा लेंगे अपन, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पूरी कोशिश तो की है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।